दिस इज रुचिशा, वेलकम टू द किचन निंजा। आज की जो डिश है वो है स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में हम मिल्क लेंगे। मैंने यहाँ पे 1.5 कप जितना मिल्क लिया है। इसी में हम 1 कप जितना शुगर ऐड करेंगे। मीडियम फ्लेम पे इसे कंटिन्यूसली हम स्टर करते रहेंगे। मिल्क में बॉईल आ रहा है, अब हम फ्लेम को लो कर देंगे और इसे कंटिन्यूसली स्टर करते रहेंगे। मिल्क को हमें 1/3 जब तक हो हमारा, तब तक इसे कंटिन्यूसली स्टर करते रहना है। मिल्क हमारा 1/3 हो चुका है, अब फ्लेम को ऑफ करेंगे हम। इसे कम्प्लीटली कूल डाउन होने देंगे। जब हम इसे कूल डाउन करने देते हैं तब हमें कंटिन्यूसली इसे स्टर करते ही रहना है। जब इसे ठंडा करेंगे हम इस तरह से कंटिन्यूसली स्टर करते रहेंगे तो हमारा टेक्सचर कुछ ऐसा होगा। कम्प्लीटली ठंडा करना है हमें। अब एक मिक्सर जार में हम फ्रेश स्ट्रॉबेरीज लेंगे। मैंने यहाँ पे 150 ग्राम जितनी स्ट्रॉबेरी ली है, अच्छे से वॉश करके उसके पीसेस कर दिए हैं। जो मिल्क हमने ठंडा किया था वो ऐड करेंगे। अच्छे से इसे, जब तक कि स्मूथ पेस्ट ना हो जाए, हमें इसे ग्राइंड करना है। अच्छे से स्मूथ पेस्ट बन चुका है। 1 कप जितना मैंने यहाँ पे चिल्ड व्हिपिंग क्रीम लिया है, इसे हम 30 सेकेंड्स तक जो स्ट्रॉबेरी स्मूदी हमने बनाई थी वो ऐड करेंगे इसमें। डेढ़ चम्मच जितना हम इसमें स्ट्रॉबेरी एसेंस ऐड करेंगे। ये आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। 2 to 3 drops हम इसमें रेड फूड कलर ऐड करेंगे। ये टोटली ऑप्शनल है। इसे हम फिर से बीट कर लेंगे जब तक कि ये एकदम सॉफ्ट ना हो जाए। अच्छे से सॉफ्ट टेक्सचर हो चुका है हमारा। अब मैंने यहाँ पे एक कांच का कंटेनर लिया है, इसमें हम हमारी आइसक्रीम ऐड करेंगे। अच्छे से हम स्प्रेड कर देंगे, अच्छे से टैप कर देंगे। अब इसे हम कवर करके फ्रीजर में सेट होने देंगे ओवरनाइट या तो फिर 10 से 12 घंटे तक। दस घंटे हो चुके हैं और हमारा आइसक्रीम भी अच्छे से फ्रीज हो चुका है। स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम हमारा रेडी है टू सर्व। आइसक्रीम बोल्स ली है, इसमें अब हम सर्व करेंगे।